okay uh, good afternoon everyone so here we are with the new lecture of our series international groups and organizations so in this lecture we are going to discuss something that is related to weaponry weaponry it can be related to conventional weapons or it can be related to nuclear weapons it can be related to nuclear weapons or it can be related to both न्यूक्लियर वेपन एज वेल एज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज आई कैन से यहाँ पे आप न्यूक्लियर वेपन की तरह यूज कर रहे हो एंड वी हैव पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी सो द कंबाइंड यूज इज नोन एज डुल यूज डुएल यूज टेक्नोलॉजी मतलब आप जिसका यूज एज अ वेपन भी यूज कर सकते हो एंड आल्सो फॉर द पीसफुल पर्पज इट कैन ऑल्सो बी यूज So, जहां पे ये दो टाइप का यूज होगा न्यूक्लियर वेपन एज वेल एज पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन दीज आर नोन एज डुएल यूज टेक्नोलॉजी दो टाइप का यूज है वेपनरी और आई कैन से पीसफुल परपज और आई कैन से एनर्जी जनरेशन एनर्जी जनरेशन में आप इसका यूज कर सकते हो सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल बी कवर्ड इन कमिंग टू और थ्री लेक्चर ओके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन द कमिंग टू और थ्री लेक्चर्स। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस यू एन डिसमेंट कमीशन देन वी हैव कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमामेंट देन वी हैव एनएस जी न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ग्रुप इट इज इंपॉर्टेंट इट इज इंपोर्टेंट अरे थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाओ ठीक है आई विल ट्राई की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाऊं आपको ओके सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्री बॉडीज दैट इज

जो न्यूक्लियर वेपन का यूज है वो कम से कम हो सो दिस दू एन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमेंट यू एन कॉन्फ्रेंस वी है द डिसमामेंट ऑफ द वर्ल्ड बेसिकली जहां पे सबसे कम न्यूक्लियर वेपन हो और आई कैन से अ वर्ल्ड वर्ल्ड विद नो न्यूक्लियर वेपन विद नो न्यूक्लियर वेपन समझ आया इतना सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी इज नोट अ टॉपिक फॉर दिस दिसक्चर टूडे करेंटली वी आर स्टडी ओनली द्री बॉडीज दट इज यू एन डिसमेंट कमीशन कमीशन ऑन डिसमेंट एंड न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप ओके

The mandate of the UNDC, mandate of the UNDC, mandate matlab, the objective for which this uh, body has been created, objective to prepare proposals for a treaty for the regulation, limitation, and the balanced reduction of all the armed forces and all the armaments, including the elimination of all the weapons of mass destruction. Samajaya. याद रखना ये बॉडी किस लिए काम कर रही है टू एलिमिनेट ऑल द वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन समझ आया वेदर इट इज एन एटोमिक वेदर इट इज एन हाइड्रोजन बॉम्ब और वेदर इट इज अ न्यूक्लियर बॉम्ब इट हैज बीन स्ट्राइविंग हार्ड टू एलिमिनेट ऑल द फॉर्म्स ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आई होप दिस बॉडी इज क्लियर टू यू मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड वी हैव द कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस इट इज अ कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्मेंट डिसआर्मोमेंट ठीक है ट इज द ओनली परमानेंट मल्टीलेटरल डिस आर्मागोशिएटिंग फोरम ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी याद रखना ओनली का मतलब यही है फोरम फोरम का मतलब टू दूनाइटेड नेशन और आई कैन से इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन अर्लियर बॉडी वॉज रिलेटेड टू द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली बट कॉन्फ्रेंस ऑन डिस आर्माेंट इज नॉट रिलइटेड नेशन

इंडिया रिकोगनाइज कॉन्फ्रेंस ऑन डिसमेंट एज दिंगल मल्टीलेटर डिस आर्मेंट नेगोशिएटिंग फोरम एंड कार्ड एनी अदर फोरम ये तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया सिर्फ इसी को रिकॉग्नाइज़ करता है जैसे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप एनपीटी वी डोंट रिकोगनाइज एन एज वेल एज एनपीटी वाई बिकॉज अकोर्डिंग टू इंडियन स्टैंड दीज आर डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर वट एनपीटी डूइंग एनपीडी like, जो पुराने पांच पावर्स हैं वो तो न्यूक्लियर पावर्स हैं लेकिन बाकी कंट्रीज कैन नो टेस्ट द न्यूक्लियर वेपनोर सो वट काइंडर जहां पे पांच लोगों के पास तो न्यूक्लियर वेपन जितना हो सही है लेकिन उनके अलावा किसी कंट्री के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है तो ये गलत है दैट मीन्स यू आर वट यू आर डूंग न्यूक्लियर स्टोक फाइल सो दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी अकॉर्डिंग टू इंडिया

under indira gandhi it was a test conducted in pokhran in 1974 under Indra gandhi and a response to this test a nuclear supplier group body was created okay it is a voluntary non legally binding export control regime it is a group of nuclear supplier countries that seeks to contribute to the non -pro proliferation of nuclear weapons through the implementation of two sets of guidelines for nuclear exports and न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट देखो न्यूक्लियर एक्सपोर्ट इज वेन इट द आर्म्स एंड न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट द एनर्जी प्रोडक्शन एनर्जी प्रोडक्शन एंड एनएसजी ट्राइज टू रिड्यूस द यूज ऑफ द न्यूक्लियर मेटीरियल फॉर द न्यूक्लियर एक्सपोर्ट ठीक है पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी से किसी को प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम कहां पे होता है जब आप बोल के ना कि वी आर यूजिंग द एनर्जी न्यूक्लियर मटेरियल फॉर द पीसफुल पर्पसेस बट आप यूज करते हो उसको फिर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में सो दिस इज वाई वी हैव अ प्रॉब्लम और इसी के लिए वी हैव आई ए इंटरनेशनल एटोमिक एनर्जी एजेंसी एंड इट्स सेव गार्ड आई ए मेक एनश्योर कि आपने जो पर्पज -पर स्टेट किया है से फॉर एग्जाम्पल गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून से फॉर एग्जाम्पल यू आर से कि मैं न्यूक्लियर मटेरियल का यूज सिर्फ पीसफुल पीसफुलिस के लिए करूंगा बट डीप इन साइड यू हैव बीन यूजिंग द मटीरियल फॉर द एनरिचमेंट और आई कैन से न्यूक्लियर वेपन सो इन दिस केस आई विल इंस्पेक्ट द साइट विल इंस्पेक्ट द साइट एंड चेक वेदर द यूरेनियम और सम अदर न्यूक्लियर फ्यूल इज बींग यूज फॉर द एनर्जी परपज

ड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोलिफर ऑफ द न्यूक्लियर वेपन ठीक है इट एज फोर्टी एट पार्टिसिपेंट कर एनपी टी कैन ज्वाइन द एन एस अब यहां पर इंडिया के साथ प्रॉब्लम है इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी ठीक है वाई इंडिया इज नॉट अ मेंबर बिकॉज इंडिया कंसिडर्स इट टू बी डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्गेनाइजेशन लाइक डिस्क्रिमिनेटरी ग्रुपिंग आप ना डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो कि जिन्होंने पहले न्यूक्लियर वेपन ले लिए उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आफ्टर दैट नो अदर कंट्री कैन टेक द न्यूक्लियर वेपन डिस्क्रिमिनेटरी है या नहीं है या तो आप करो कि किसी भी कंट्री को अलाउ ना हो न्यूक्लियर वेपन का यूज करना या न्यूक्लियर वेपन का स्टॉक पाइल करना बट आप बोल रहे हो कि कुछ पांच कंट्रीज के तो अलाउड है बट बाकी कंट्रीज के लिए अलाउड नहीं है सो दट इज वाई इंडिया हैज नॉट ज्वाइंट द एनपीटी बट यहां पर दे इज अ क्लोज कि जो सिग्नेटरीज है एनपीटी के वही ज्वाइन कर सकते हैं एनएसजी के ठीक है तो यहां पे आफ्टर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया हैज बीन ट्राइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ द एनएसजी ठीक है व्हाई इंडिया इज ट्राइंग टू बिकम द मेंबर ऑफ एनएसजी सो दैट मोर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी ट्रांसफर टू इंडिया बट यहां पर देर इज अ डिफरेंस ठीक है कि इंडिया ने शो तो कर दिया आफ्टर सिविल न्यूक्लियर डील जिसको दूसरा नाम है एग्रीमेंट 123 याद रखना इसको कि इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील का दूसरा नाम क्या है एग्रीमेंट 123 सो आफ्टर इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील इंडिया हैज प्रूव्ड कि इट कैन यूज द न्यूक्लियर मटेरियल ओनली फॉर द पीसफुल पर्पजेस एंड इंडिया मेंबरशिप टू द एन इज बींग सपोर्टेड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज बट एज वी नो वी हैव ऑल ऑल वेदर एनिमी चाइना which has been blocking the membership of India to the new NSG, Nuclear Suppliers Group. Why? China says that India is not a member of the NPT, so we cannot trust the intentions of the India that it will use the nuclear material only for the peaceful purposes. This is the doubt that the China is created in, creating in the minds of the other countries. So what we want? We want to become the member of NSG but we don't want to become the member of npt because it is discriminatory according to us okay i hope it is the uh, i think it is the last slide and i hope the three uh, topics we discussed for today was clear to you and you must remember what now nsg is what is conference on the disarmament and what is united nations disarmament commission and you must remember it is the conference on disarmament is the only forum that the india recognizes as a forum for nuclear disarmament i hope all the topics in this lecture are clear to you we will be meeting in the next lecture with the new set of topics till then keep studying and keep revising all the best thank you